एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक हाइपोथेसिस रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो आज है मेनली बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रसल। ठीक है, तो रसल ने जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बनाया था तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे स्टार हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कैसे अर्थ का ओरिजिन होता है। द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखा गया है पहले जो जो सब डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट बना है वो सब फेल किया है। क्या फेल किया है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ उसको एक्सप्लेन करना वो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। जो प्रेजेंट सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। प्लैनेट है उसके इनर सर्कल में क्या है, हाई एटॉमिक वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो हाई एटॉमिक वेट वाला जो एलिमेंट है वो उससे बना है इनर सर्कल, एंड लाइटर एटॉमिक वेट वाला जो एलिमेंट है उससे बना है प्लैनेट का आउटर सर्कल। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सब कुछ भी ये डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द साइंटिस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ थ्री हेवनली बॉडीज। तो यहाँ पे थ्री हेवनली बॉडीज के द्वारा जो सोलर सिस्टम एंड अर्थ का जो ओरिजिन है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले जो सब डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब दो चीज लेकर, जैसे प्रिमिटिव सन एंड इंक्लूडिंग स्टार, ये दो जो हेवनली बॉडीज है वो लेके एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया गया था, तो वहां पे ये सब एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। थ्री हेवनली बॉडीज के द्वारा एक्सप्लेन किया है एंड ये सब जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के ट्राई किया है। एच एन रसल एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर प्रोपाउंडेड हिज बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस किसने बनाया था? रसल, एच एन रसल, इन द ईयर 1937 टू रिमूव द शॉर्टकमिंग ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। तो जेम्स जीन्स ने जो टाइडल हाइपोथेसिस बनाया था उसमें जो जो सब प्रॉब्लम आया है उसको ठीक करने के लिए रसल ने यहाँ पे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बनाया है। तो देखते हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में रसल ने क्या क्या चीज कहा है। तो रसल ओपिन दैट देयर वाज टू स्टार नियर द प्रिमिटिव सन। तो पहले ही कहा गया है कि यहाँ पे थ्री हेवनली बॉडीज को लेके ओरिजिन ऑफ द अर्थ को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव सन तो है ही एंड उसके साथ है दो स्टार। ठीक है, इन द बिगिनिंग द कॉम्पेनियन स्टार वॉज रिवॉल्विंग अराउंड द प्रिमिटिव सन। तो एट फर्स्ट क्या होता है, कॉम्पेनियन स्टार जो है प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूमने लगता है। लेटर वन जाइंट स्टार नेम्ड एज अप्रोचिंग स्टार, यहाँ पे जो थर्ड स्टार है वो क्या है, अप्रोचिंग स्टार। ठीक है, लास्ट में आते हैं नियर द कंपेनियन स्टार, कंपेनियन स्टार के और भी पास आते हैं वन जाइंट स्टार मतलब और भी बहुत बड़ा स्टार जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है अप्रोचिंग स्टार। तो यहाँ पे जो थ्री हेवनली बॉडीज है वो मेनली क्या क्या है, एक है प्रिमिटिव सन, दूसरा है कंपेनियन स्टार एंड थर्ड है अप्रोचिंग स्टार। तो पहले कंपेनियन स्टार प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूम रहा था, उसके बाद अप्रोचिंग स्टार वहां पे आया है कंपेनियन स्टार के पास जो बहुत बड़ा साइज में है, एक वन जाइंट स्टार। द डायरेक्शन ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अप्रोचिंग स्टार वाज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कंपेनियन स्टार। तो रिवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है अप्रोचिंग स्टार का वो कंपेनियन स्टार का ऑपोजिट है, मतलब कंपेनियन स्टार जैसे घूम रहा है अप्रोचिंग स्टार उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार माइट हैव अबाउट 48 लाख टू 64 लाख किलोमीटर। तो दो जो स्टार है यहाँ पे कंपेनियन स्टार एंड अप्रोचिंग स्टार दोनों के बीच में डिस्टेंस है 48 लाख से लेके 64 लाख किमी तक। It means the approaching star might have been at a far greater distance from the primitive sun. तो इसका मतलब क्या है, approaching star primitive sun से बहुत दूर situated है, क्योंकि companion star and approaching star दोनों के बीच में distance ही है, तो primitive sun से ये बहुत दूर situated होगा। So there would have been no effect of tidal force of the giant approaching star on the primitive sun. तो जो approaching star है उसका जो force है gravitational attraction and tidal force जो है
वो प्रिमिटेड सन की तरफ कोई काम नहीं करेगा, कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं डालेगा क्योंकि ये बहुत दूर सिचुएटेड है। बट लार्जर अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ द कंपनी एंड स्टार वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द जायंट अप्रोचिंग स्टार। तो प्रिमिटेड सन के ऊपर यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है अप्रोचिंग स्टार का क्योंकि ये बहुत दूर सिचुएटेड है, बट कॉम्पेनियन स्टार के ऊपर इसका जो है इफेक्ट है क्योंकि कॉम्पेनियन स्टार के थोड़ा बहुत पास ये सिचुएटेड है। अगर प्रिमिटेड सन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो कॉम्पेनियन स्टार से लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर यहां से डिटैच्ड होता है बिकॉज ऑफ अप्रोचिंग स्टार, क्योंकि उसका टाइडल फोर्स कंपेनियन स्टार के ऊपर काम करता है बट प्रिमिटिव सन के ऊपर काम नहीं करता है क्योंकि वो बहुत दूर है एंड कंपैरेटिवली कंपेनियन स्टार इसके पास सिचुएटेड है। एज द जाइंट अप्रोचिंग स्टार कम नियरर टू द कंपेनियन स्टार द ग्रेविटेशनल एंड टाइडल फोर्स कंटिन्यू टू इंक्रीज। तो जाइंट ये जो अप्रोचिंग स्टार है ये जितना कंपेनियन स्टार के पास आएगा उतना यहाँ पे ग्रेविटेशनल एंड टाइडल फोर्स जो है अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा एंड उसकी वजह से क्या होगा कंपेनियन स्टार से अमाउंट लार्जर अमाउंट ऑफ पार्ट यहाँ से डिटैच्ड होगा। दस द बल्ज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द कंपेनियन स्टार स्टार्टेड ग्रोइंग टुवर्ड्स द अप्रोचिंग स्टार, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है एंड टाइडल फोर्स दो ही यहाँ पे काम कर रहा है तो उसकी वजह से कंपेनियन स्टार का जो बाहर का साइड का जो पार्ट है आउटर सर्फेस का जो पार्ट है एक बहुत बड़ा पार्ट अप्रोचिंग स्टार के तरफ जाने लगेगा अट्रैक्ट हो रहा है इसकी वजह से। व्हेन अप्रोचिंग स्टार कम नियरेस्ट टू द कंपेनियन स्टार एंड बहुत पास जब आ जाएगा तब क्या होगा लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर वॉज इजेक्टेड फ्रॉम द कंपेनियन स्टार। तो कंपेनियन स्टार से एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मैटर इजेक्ट हो जाएगा मतलब डिटैच हो जाएगा ड्यू टू मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द जायंट अप्रोचिंग स्टार, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो मैक्सिमम है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मैटर यहाँ से डिटस्ट हो जाएगा। इजेक्टेड मैटर स्टार्टेड रिवॉल्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ द जायंट अप्रोचिंग स्टार एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कंपेनियन स्टार। तो जो मैटर यहाँ पे डिटस्ट हो रहा है कंपेनियन स्टार से वो कंपेनियन स्टार के डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो किसके डायरेक्शन में जाएगा जायंट अप्रोचिंग स्टार जो है उसके डायरेक्शन में वो घूमेगा। तो पहले ही कहा है क्या कंपेनियन स्टार के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अप्रोचिंग स्टार जो है घूमता है, तो यहाँ पे जो पार्ट कंपेनियन स्टार से डिटैच्ड हो गया है वो जायंट अप्रोचिंग स्टार के साथ सेम डायरेक्शन में घूम रहा है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कंपेनियन एंड कंपेनियन स्टार के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। एट लास्ट प्लैनेट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द इजेक्टेड मैटर, एंड यहाँ पे जो इजेक्टेड मैटर हुआ है मतलब जो चीज मैटर यहाँ से डिटस्ट हो गया है कंपेनियन स्टार से उससे ही प्लैनेट बना है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव सन से प्लैनेट नहीं बना है, यहाँ पे मेनली कंपेनियन स्टार से प्लैनेट बना है। यहाँ पे थ्री हेवनली बॉडी से अप्रोचिंग स्टार कंपेनियन स्टार एंड प्रिमिटिव सन, अप्रोचिंग स्टार का कोई भी इफेक्ट प्रिमिटिव सन के ऊपर नहीं है क्योंकि इससे बहुत दूर ये सिचुएटेड है कंपैरेटिवली कंपेनियन स्टार के पास सिचुएटेड है इसकी वजह से एंड वो धीरे धीरे कंपेनियन स्टार के पास भी आ रहा है। तो अट्रैक्शन जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड टाइडल फोर्स जो है वो सब काम करता है कंपेनियन स्टार के ऊपर, तो कंपेनियन स्टार से इसकी वजह से अट्रैक्शन की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर उससे डिटस्ट हो जाता है एंड वो डिटस्ट मैटर से यहाँ पे प्लैनेट बनता है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव सन से प्लैनेट नहीं बना है, तो पहले जो जो हाइपोथेसिस हमने डिस्कस किया है वहां पे सिर्फ प्रिमिटिव सन से प्लैनेट बन रहा था क्योंकि वहां पे दो हेवनली बॉडीज था एंड यहाँ पे थ्री बॉडीज है प्रिमिटिव सन कंपेनियन स्टार एंड अप्रोचिंग स्टार। इन द बिगिनिंग द प्लैनेट माइट हैव बीन नियरर टू द ईच अदर, बिगिनिंग में क्या था पहले शुरू के टाइम में जो प्लैनेट जो है एक दूसरे के पास सिचुएटेड था। Thus, matter might have been ejected from this planet due to their mutual attraction. And planet बहुत पास सिचुएटेड था एंड एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से जो है मैटर्स इजेक्ट होने लगा है। Thus, satellite might have been ejected from this planet due to their mutual attraction. And ऐसे ही सैटेलाइट भी यहाँ पे फॉर्म किया है, प्लानिट एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ है उसकी वजह से प्लानिट से मैटर डिटैच्ड हुआ है एंड प्लानिट से जो मैटर डिटैच्ड हुआ है वो बना है सैटेलाइट एंड सैटेलाइट फॉर्म्ड लाइक दिस। तो ऐसे यहाँ पे जो है अर्थ एंड सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है। तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में रसेल ने मेनली क्या कहा है
यहाँ पे थ्री हेवनली बॉडीज लिया गए हैं, कंपेनियन स्टार, अप्रोचिंग स्टार, प्रिमिटिव सन। पहले कंपेनियन स्टार प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूम रहा था, अप्रोचिंग स्टार नहीं था, बाद में अप्रोचिंग स्टार आया एंड उसका जो इफेक्ट है वो सब कंपेनियन स्टार के ऊपर ही मेनली हुआ है। अट्रैक्शन एंड इफेक्ट, टाइडल फोर्स का जो इफेक्ट है वो सब, क्योंकि प्रिमिटिव सन से ये बहुत दूर सिचुएटेड है एंड उससे जो मैटर निकला है कंपेनियन स्टार से, उससे ही प्लैनेट बना है। तो इमेज में अगर हम देखेंगे, ये है प्रिमिटिव सन, ये है कंपेनियन स्टार एंड ये है अप्रोचिंग स्टार, जो जायंट स्टार हमने कहा था, तो ये साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा है एंड ये है कंपेनियन स्टार एंड इससे ये मैटर इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका जो टाइडल फोर्स है एंड जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो काम कर रहा है कंपेनियन स्टार के ऊपर, प्रिमिटिव सन के ऊपर नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर सिचुएटेड है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से मैटर डिटैच्ड होके अप्रोचिंग स्टार के चारों तरफ घूमने लगा है एंड ऐसे ही प्लैनेट फॉर्म किया है। तो ये सिंपल एक हाइपोथेसिस है एंड बहुत ईजी भी है। तो एवोल्यूशन देखते हैं आप। Russell has explained the formation of planet out of the matter rejected from the companion star due to gravitational tidal force and giant intruding star. तो Russell ने mainly यहाँ पे explain किया है कैसे Earth का form होता है companion star से matter reject होके। He did not mention about the remaining portion of the companion star. तो companion star से कुछ मैटर तो डिटैच्ड हुआ बट कुछ मैटर्स तो अभी भी उसके अंदर है, तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका क्या हुआ बाद में, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ है, कोई भी एक्सप्लेनेशन रसेल ने नहीं दिया है। व्हाट हैपेंड अबाउट द रेसिडुअल पार्ट ऑफ द कंपेनियन स्टार, ही डिड नॉट गिव एनी आंसर। कंपेनियन स्टार का जो पार्ट वहां पे रह गया है उसका क्या हुआ बाद में, उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन रसेल ने यहाँ पे नहीं दिया है। Russell said at the time of formation were far off from the primitive sun. तो Russell क्या कहा है, formation के time में primitive sun बहुत दूर situated है, बाद में जब planet form हो गया तब क्या हुआ, वो primitive sun के gravitational attraction के domain के अंदर आ गया है, क्योंकि sun के पास ही एक के बाद एक planet situated है, तो आ गया है, पहले वो बहुत दूर situated था, ये उन्होंने कहा है यहाँ पे। बट जो companion star जिसका part वहां पे रह गया है वो और भी करीब था अप्रोचिंग स्टार के, बट उसका कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, वो प्रिमिटिव सन के और भी नियरेस्ट था बट वो प्रिमिटिव सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आ पाया है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी रसेल ने नहीं दिया है, ये है सन, ये है जो है कंपेनियन स्टार एंड ये है अप्रोचिंग स्टार। तो कंपेनियन स्टार से जो पार्ट डिटैच्ड हो गया एंड जो सब प्लैनेट बना है वो बाद में सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड आ गया है एंड सन के पास जैसे सोलर सिस्टम रहता है प्लैनेट वैसे रहने लगा है, बट जो रेसिडुअल पार्ट एंड जो पार्ट यहाँ पे रह गया है कंपेनियन स्टार का उसका क्या हुआ, वो सन के बहुत करीब था तो वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्यों नहीं आ पाया, ये सबका एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। इनफैक्ट द रेसिडुअल कंपेनियन स्टार शुड हैव कम विद इन द सन ग्रेविटेशनल डोमेन बट इट डिड नॉट हैपन। बट यही होना चाहिए था पहले के कंपेनियन स्टार का जो पार्ट यहाँ पे रह गया है उसको ही प्रिमिटिव सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आना चाहिए था क्योंकि वो प्रिमिटिव सन के बहुत ही करीब सिचुएटेड है, बट ये नहीं हुआ। Russell was unable to resolve this contradiction, इसको उन्होंने रिसॉल्व नहीं कर पाया है Russell ने। Russell did not elaborate the process and mechanism through which the planet after their formation were brought within the gravitational field of the sun and planet जो है बना यहाँ पे अप्रोचिंग stars कंपेनियन स्टार के पार्ट लेके प्लैनेट यहाँ पे बना एंड वो कैसे प्रिमिटिव सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आया एंड सन के पास जैसे प्लैनेट रहता है वैसे रह रहा है कैसे, उसके बारे में यहाँ पे कोई भी डिस्कशन उन्होंने नहीं दिया है कैसे वो ग्रेविटेशनल फील्ड में आया सन के। तो ये भी एक मतलब कंप्लीट जो थ्योरी है वो नहीं है, इसमें भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ है एंड ये भी नेक्स्ट जो थ्योरी बना है उसमें जाके सॉल्व करने के कोशिश किया है और भी जो सब साइंटिस्ट है वो। तो Russell का जो बाइनरी या स्टार हाइपोथेसिस है आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।